मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पानी की बौछार पड़ सकती है और ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर संभाग में बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ और धार में ओलावृष्टि भी हो सकती है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आखिरकार अंजाम तक पहुंच गया। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले तो मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और फिर कुछ देर बाद उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने अंसारी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। हादसे में 51 घंटे बाद रविवार रात को इस ट्रैक से पहली ट्रेन रवाना हो चुकी है। इस दौरान हाथ जोड़कर खड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलनरत पहलवानों ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदर्शन में शामिल रहे रेसलर्स साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे ने इसकी पुष्टि भी की है। पहलवानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन पर धर्मांतरण और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया। कटनी में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि स्कूल की 2 महिला टीचर्स का धर्म परिवर्तन कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस समूह ने दमोह में जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम किया है। अशोकनगर नगर पालिका के शराबी कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा। कर्मचारी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में सो रहा था। नगर पालिका अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर उसकी क्लास लगा दी। टोरिया के फिल्टर प्लांट में पानी बहता रहा। इस दौरान शराबी नगर पालिका कर्मचारी ब्रजेश और राजकुमार ड्यूटी पर शराब के नशे में सोते रहे। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल धर्मांतरण मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधर्मियों का षड्यंत्र चल रहा है, वो अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं। शिक्षा का देवस्थान होता है, लेकिन वे अपनी विशैली राइट के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और सरकार से पिछबाहरी की मांगी। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ने लगातार हठधर्मिता दिखाई है। बहराइच के नानपारा कुतवाली के भग्गापुरवा प्रार्थना सभा के दौरान हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने और धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहादत इंटर कॉलेज के पास एक घर में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के महिला और पुरुष मौजूद थे। भोपाल के रविंद्र भवन में विश्व पर्यावरण दिवस पर मिशन लाइफ पर केंद्रित यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज मनुष्य अंधा हो चुका है, हर सभी को भागीदारी देनी है और साथ ही जो कई संकटों का सामना कर रहे हैं, इस साल बारिश भी बंद नहीं हुई है, अप्रैल मई जून में पानी गिर रहा है, हमने पूरे प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर दिया है। बिजनौर के हल्दौर थाने के तैनात कांस्टेबल मुकेश कुमार की बीती रात सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बिजनौर के हल्दौर थाने में तैनात मुकेश कुमार कांस्टेबल को बीती रात ड्यूटी जाते समय किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में मुकेश की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। मुकेश की मौत से परिवार ने मातम उठाया। उत्तराखंड मानसून को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। मानसून की दस्तक को लेकर मौसम विभाग ने कहा जल्द केरल के तटों से टकराने के बाद महीने के आखिरी दिनों में मानसून प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस बार पूरे देश में मानसून सामान्य रहने वाला है। इटावा के बसरेहर पुलिस ने बरेली हाईवे पर कंटेनर में अमृतसर से बिहार ले जाई जा रही 2 करोड़ की कीमत की शराब पकड़ी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी। पंजाब की अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर इटावा से चौपुला पुल जा रहा था। बरेली हाईवे पर लोहिया पुल के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंटेनर पकड़ा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास 3 महिलाओं ने अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने रास्ता रोककर अधेड़ से शराब पीने के
ये पैसे मांगे लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रास्ते में ही महिलाओं ने युवक की पिटाई कर दी। वहां से गुजर रहे लोगों ने अधेड़ को बचाया। यूपी के हमीरपुर में 1 जून से 31 अगस्त तक नदियों में जलीय जीवों के शिकार पर रोक लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके जिले में बड़े पैमाने पर ठेकेदार मछलियों का शिकार करते हैं, फिर मछलियां सड़कों के किनारे बेची जा रही हैं, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है, अगर ऐसा करते पाए गए तो कार्रवाई जरूर। बस्तर में खास अंदाज में मनाए जाने वाले गुर्जा पर्व का शुभारंभ हुआ। दिवस स्नान, चंदन यात्रा और साथ ही पूजा विधान के साथ भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ बीमार हो गए। भगवान जगन्नाथ 5 से 18 जून तक असरार काल यानी 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे। बस्तर गुर्जा पर्व का शुभारंभ देवस्थान से। खबर जलगांव से है, जहां पलाधी गांव के पास अकोलिया से अहमदाबाद जा रही यात्री बस में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 25 से 30 यात्री घायल हुए, वहीं कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल। संरक्षक मंत्री गुलाब राव पाटिल ने दुर्घटनाग्रस्त पहुंचे और साथ ही घायल यात्रियों के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश एटीएस की मेरठ इकाई ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिक बनकर रहने वाले 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 फर्जी आधार कार्ड, 5 एटीएम, 2 पैन कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 4 चेकबुक, 1 कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र बरामद किया गया है। रायपुर में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 4 साल में बीजेपी ने जनता के बीच कुछ नहीं किया। बीजेपी के लोग समाचार पत्रों में 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, हम लोग इनकी कमियों को गिनाते रहेंगे। 9 साल में बीजेपी की केंद्र सरकार ने कोई उपलब्धि वाला काम नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ 8 सूत्री मांगों को लेकर 15 मई से हड़ताल पर, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पटवारियों को अब छत्तीसगढ़ के तीसरे प्रमुख राजनीतिक दल जेसीसीजे का साथ मिल गया। डूंगरगढ़ में जेसीसीजे के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर शर्मसार हुआ, जहां सीतापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। 3 नाबालिग और 2 बालिग युवकों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया। विरोध करने पर लड़की के साथ बेल्ट और लात घूंसों से जमकर पिटाई दी गई। परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। शमशाबाद में लाडली बहना योजना के लिए छुट्टी के दिन भी बैंक खुले। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले में सरकारी बैंकों में लाडली बहना योजना के आवेदकों के DBT के लिए बैंक खोलने के आदेश दिए थे। बैंकों में महिलाओं की भीड़ देखी गई, साथ ही भीषण गर्मी में कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची। शिवपुरी में सोमवार सुबह करीब 5 बजे ट्रक की टक्कर से छात्र छात्राओं से भरी बस पलट गई। हादसे में ड्राइवर और छात्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टायर फटने के कारण बेकाबू ट्रक ने बस को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही बस 5-6 पलटियां खा गई और बच्चों में चीख-पुकार मच गई। 36 सीटर बस में 40 बच्चे, 10 टीचर और 1 स्टाफ सवार। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद के सीएम फेस होने पे फिर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली से बुलावा नहीं आया, जब आएगा तब जाऊंगा। नेता विपक्ष ने महाकाल लोक मामले में लोकायुक्त की जांच कर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच के बीच कांग्रेस के NSUI विंग पंजाब नेशनल बैंक पहुंची। नीरव मोदी को करोड़ों रुपए देने के बाद भी पंजाब नेशनल बैंक को रिकवरी हुई है। अब NSUI भी पंजाब नेशनल बैंक से लोन मांग रही है। संगठन के रवि परमार का कहना है कि जिस तरह से नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया है, हमें। खबर बलिया से है, जहां अवैध देशी और विदेशी शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। बलिया के गढ़वार थाना की पुलिस ने 2017 से 2021 तक के 108 मुकदमों में जब्त किए 20,000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। धूलभरी आंधी से मलकापुर तालुका के माकनेर के खेत में BSNL कंपनी का टावर गिरने की घटना 4 मई को दोपहर करीब 4 बजे हुई।
हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अचानक तेज बारिश के बाद आंधी में कई जगहों में पेड़ उखड़ गए, कई मकानों के छप्पर उड़ गए। साथ ही मलकापुर तालुका के कामदेन में एक फर्म भी कंपनी गिर गई। देवास इंदौर उज्जैन मार्ग स्थित सावेर से मवेशियों की हड्डी बेचने के लिए देवास आए एक व्यक्ति की वासी नगर क्षेत्र में रविवार को मौत हो गई। रास्ते के किनारे शव और बाइक पड़ी मिली, जहां सूचना के बाद नहर दरवाजा पुलिस ने मौके पर पहुंची और जिला वैज्ञानिक अधिकारी आरसी भाटी ने पहुंचकर मौके और शव का परीक्षण किया। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना, मारे गए लोगों को युवक कांग्रेस द्वारा शहर के सयाजी द्वार में श्रद्धांजलि दी गई, जहां उन्होंने इस दुर्घटना में मृतक परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही। वहीं हादसे में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। गाजीपुर में पुलिस ने जुआ खेलते 5 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नगद रुपए और साथ ही 8 मोटर बाइक जब्त की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जुआ खिला रहे मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव गोहरा आलमगीरपुरा में पीड़ित किसान ने एक शिकायती पत्र देते हुए पिछले विभाग के कर्मचारी और जेई पर भ्रष्टाचार करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। किसान के मुताबिक उसने जूनियर इंजीनियर को 3 ट्रांसफार्मर से तेल चुराते देख लिया था। ऐसे में मामला दबाने के लिए जूनियर इंजीनियर ने उसके साथ गाली गलौज की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। रविवार रात इंदौर उज्जैन कांग्रेस प्रभारी पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह इंदौर आए। उन्होंने कहा कि सिंधिया के भाजपा में आने से 3 भाजपा बन गई है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। बड़वानी के सजवानी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर हमला कर दिया गया। घटना में युवक घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुराने विवाद में घायल रामू मेघवाल पर आरोपी रणजीत प्रवीण ने नुकीले पंच से हमला कर दिया था। हमले में राजू को चोट लगी है। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया ठग को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोगों को अपना प्लॉट बताकर जालसाजी करके रुपए ठग लेते थे। उरई पुलिस ने इसरार अहमद को गिरफ्तार किया है। बड़ियाऊ विधायक डॉक्टर आर के पटेल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हवन और केक काटकर धूमधाम से मनाया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने योगी की लंबी उम्र की कामना की। सोमवार को मटियाहू विधायक डॉक्टर आर के पटेल और भाजपा कार्यकर्ताओं के तमाम लोग मौजूद रहे। झाबुआ जिले जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में विचाराधीन कैदी मृतक दीपक सोलंकी, जिसे सांस लेने में परेशानी के चलते जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर कन्हैयालाल पाटीदार ने कैदी को मृत घोषित कर दिया है। झाबुआ जेल के उप अधीक्षक राजेश विश्वकर्मा कैदी की अचानक सांस लेने से परेशान हैं। शुक्रवार को भाजपा नेता की गिरफ्तारी के बाद मारपीट के मामले में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक मंडी समिति चौकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके साथ चौकी इंचार्ज हाकिम ने बदतमीजी की और कॉलर पकड़कर जब सांसद ने अपना परिचय दिया उसके बाद अभद्रता की। सांसद ने कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह समेत कई लोगों को आरोप लगाया है। बुधनू थाना क्षेत्र के बीती रात अज्ञात हमलावरों ने ज्वेलर्स के साथ लूट की नियत से उस पर चौपड़ में हमला कर दिया। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए 2 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। दहार में लगातार गर्मी के बीच सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ली और 1 घंटे से ज्यादा समय तक बारिश हुई, जिसमें लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि बाजार में रोड पर पानी भर गया, रोड से सटे मकानों में भी पानी भर गया। किसानों के लिए पानी राहत लेकर आया। किसानों की खेती करने के लिए बारिश का पानी बहुत महत्वपूर्ण है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने पौधे लगाए और पौधा भेंट किया। साथ ही पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने की भी बात कही। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में बदलाव के लिए पौधे जरूर लगाएं। प्रत्येक नागरिक को कम से कम पौधा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए काफी कामयाब। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है, इसके साथ ही पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के बख्शी का तालाब में हरियाणा के दुश्मनों ने बीकेटी के कठवारा गाँव में आरा चलाकर आम पेड़ों को धराशाही कर दिया। आगरा में साइबर अपराधी नए नए प्रलोभन देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। आरोपी पहले कॉल करते हैं, फिर खाते से पैसे निकाल देते हैं। साइबर सेल अब इन अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले चार महीने में ठगी में इस्तेमाल लगभग 700 सिम और मोबाइल को बंद करा दिया गया है। जबलपुर के गोरखपुर तहसील कार्यालय में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां तहसील कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी और बाबू अपने कार्य के समय तहसील कार्यालय में पैर फैलाकर सोते दिखाई दिए। तहसील कार्यालय के और भी कर्मचारी मोबाइल और अपने अन्य कार्यों में व्यस्त दिखाई दिए, जहां भीषण गर्मी में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे थे। झांसी जिले के मोट रेलवे चौकी के अंतर्गत आने वाले चिगुआ क्रॉसिंग के समीप एक 35 वर्षीय महिला ट्रेन से गिरकर लहूलुहान हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद झांसी अस्पताल रेफर कर दिया है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सुगम यातायात के तहत जनपद चमोली में श्रद्धालुओं और पर्यटकों में अधिकाधिक आवागमन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने सभी क्षेत्राधिकारियों और साथ ही थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। जोशीमठ चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है, जहां जोशीमठ से मारवाड़ी तक सड़क संकुचित होने के कारण जाम को खस्ताहाल किया गया। कन्नौज में पुलिस पर हमले के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मंडी समिति पहुंचे, जहां आईपीएस को चौकी इंचार्ज हाकिम सिंह नहीं मिले। सदर कोतवाली और एसपी भी नदारद दिखे, जिसके बाद अमित ठाकुर एसएसपी से मिले। मंडला जिले के विकास खंड बिजार डांडी में विश्व पर्यावरण दिवस पर उप स्वास्थ्य केंद्र टकरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र बुंदेला द्वारा जनप्रतिनिधि और सरपंच श्रीमती अंजुला परेत के उप स्वास्थ्य केंद्र टकरिया में पौधारोपण किया गया, जिसमें सचिव रोजगार सहायक एवं ग्राम के निवासी सम्मिलित हुए। राजधानी रायपुर के ट्रैवल्स एजेंसी च्वाइस हालीहेट में कार्यरत दो कर्मचारी पालूलाल पटेल और पुरुषोत्तम निर्मलकर ने मिलकर एजेंसी के पैसों में जमकर घोटाला किया। पालूलाल पटेल टिकट बुकिंग और पुरुषोत्तम निर्मलकर का कार्य ग्राहकों के टिकट बुकिंग राशि का भुगतान लाया गया। रायपुर से खबर, जहां ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों ने किया बंदरबाट। आपको बता दें कि 12.71 लाख का गबन किया गया है, जिसके बाद में अब कार्रवाई जारी है। रायपुर से खबर, जहां बाइक चुराने वाले 12 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रायपुर में बड़े ही शातिराना अंदाज में कमजोर वाहन तालों को तोड़कर दोपहिया वाहन को लेकर ट्रक चक्कर होने वाले राजधानी के 12 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फोर्स क्राइम ब्रांच की टीम ने इन चोरों से लगभग 30 लाख रुपए कीमत के 50 वाहन जब्त किए हैं। रानीखेत में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छावनी परिषद द्वारा रानी झील के समीप निर्वाणा पार्क में सेलेक्स उतीश बोगेन बोलिया कनेर और पांगल प्रजाति के 200 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष छावनी परिषद रानीखेत ब्रिगेडियर गौरव बग्गा द्वारा किया गया है।